किससे कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आप सभी के लिए ढेर सारा आदर और स्नेह। मैं हूं अभिषेक बारेट। ललाट पर लाल रंग का ज्यादा बड़ा और चौड़ा टीका, गले में रुद्राक्षों की सोने से जड़ी मालाएं, शेर के दो दांतों का गले में लटकता पेंडेंट, काली और सफेद दाढ़ी के बीच से झांकता सलोना चेहरा जिस पर रहस्यमय शांति और आंखों के लाल डोरों का अजीब सा मिश्रण देखने वाले के मन में बर्क सी बिछा देता था। वो खुद को तंत्र और ज्योतिष का मिश्रण मानते थे, पर उन्हें भारत का सबसे बड़ा और बेमिसाल तांत्रिक माना गया। आज कहानी भारत के उसी तथाकथित तांत्रिक की, जिसकी कही बातें ज्यों की त्यों सच हो जाती थी। कहानी चंद्रा स्वामी की। चंद्रा स्वामी राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ के एक जैन परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि मूल रूप से चंद्रा स्वामी का परिवार गुजरात का रहने वाला था। चंद्रा स्वामी बनने से पहले उनका नाम नेमीचंद जैन हुआ करता था। नेमीचंद जैन और चंद्रा स्वामी के पिता धर्मचंद जैन ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। बचपन के दिनों में ही खुद को सामाजिक जीवन से अलग कर नेमीचंद तंत्र साधना में लग गए और परिवार राजस्थान से हैदराबाद चला आया था। शायद यहाँ बसने के बाद ही बड़े हो रहे नेमीचंद को एक दक्षिण भारतीय झलक वाले नाम की ख्वाहिश हुई होगी, जो आगे चलकर नेमीचंद से चंद्रा स्वामी बन गई। उनके बचपन पर प्रकाश डालने वाली हीरालाल चौबे की जीवनी में हीरालाल चौबे बताते हैं कि नेमीचंद यानी चंद्रा स्वामी लगभग 16 साल की उम्र में तांत्रिक बनने की राह पर निकल पड़े। सबसे पहले चंद्रा स्वामी की भेंट जैन मुनि महोपाध्याय अमर मुनि से हुई। उनके साथ कुछ वक्त बिताकर चंद्रा स्वामी 23 बरस की उम्र में बनारस चले आए, जहां गोपीनाथ कविराज से उन्होंने तंत्र साधना सीखना शुरू कर दिया। वो इस कदर तंत्र साधना में रमे जा रहे थे कि उन्होंने अगले 3 साल में ही तंत्र साधना का महायज्ञ भी कर डाला। जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि चंद्रा स्वामी को तंत्र मंत्र और ज्योतिष की कोई जानकारी नहीं थी। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के अनुसार 1966 में एक समाचार संपादक थे राम रूप गुप्त, जो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में काम करते थे और कनॉट पैलेस के फायर ब्रिगेड लेन में समाचार एजेंसी का दफ्तर था। राम रूप गुप्त बहुत ही अच्छे ज्योतिषी भी थे। चंद्रा स्वामी को उनके बारे में जानकारी थी और वो लोगों की कुंडली राम रूप गुप्त से दिखाते और बाद में उनके द्वारा बताई गई बातों और फलादेश लोगों को बताते थे, जिससे चंद्रा स्वामी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। बनारस से बिहार चले जाने के बाद आवारागर्दी करने वाले चंद्रा स्वामी लोकसभा सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगे थे। उन्हीं के साथ चतुर्भुज गौतम भी रहा करते थे, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सचिव बने। चंद्रा स्वामी ने नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट के वक्त वहाँ स्क्रैप डीलर का काम भी किया। 1971 में पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बतौर तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने उनसे नज़दीकी बढ़ाई और वो कामयाब भी रहे। चंद्रा स्वामी में दरअसल एक कमाल का हुनर था। वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते थे और बाकी काम आस्था और आध्यात्म कर दिया करता था। चंद्रा स्वामी की यही शैली समान रूप से दुनिया भर के नेताओं पर एक जैसा जादू करती थी। अब चंद्रा स्वामी नरसिम्हा राव के साथ अपने विशिष्ट तांत्रिक वाले पहनावे में नजर आने लग गए थे। चंद्रा स्वामी के यूं तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों में सबसे कमाल का किस्सा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर का है। दरअसल चंद्रा स्वामी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी उनके सामने ही कर दी थी, जो बाद में आगे चलकर हूबहू सच साबित हुई थी। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पास में इसका जिक्र है। थैचर जब कंजर्वेटिव पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये तब की बात है। उस वक्त नटवर सिंह ब्रिटेन में भारत के उप उच्चायुक्त हुआ करते थे। ये 1975 का साल था। चंद्रा स्वामी नटवर सिंह से मिलने इंडिया हाउस पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वो उन्हें मार्गरेट थैचर से मिलवाएं। चूंकि चंद्रा स्वामी एक तांत्रिक थे और उसी अनुरूप वेशभूषा रखा करते थे, तो नटवर सिंह को लगा कि थैचर से मुलाकात के दौरान चंद्रा स्वामी की कोई हास्यास्पद बात थैचर को नाराज ना कर दे।
इसलिए नटवर सिंह इस बात से थोड़े डरे भी। नटवर सिंह ने इस बारे में तत्कालीन विदेश मंत्री वाई वी चौहान से बात की और चौहान ने कहा कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर चंद्रा स्वामी थैचर से मिलना चाहते हैं तो वो उन्हें मिलवा दें, पर इसके लिए अब मार्गरेट थैचर की अनुमति आवश्यक थी। नटवर सिंह ने हाउस ऑफ कॉमन्स में मार्गरेट थैचर से मिलकर कहा कि भारत के एक स्वामी उनसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिल सकते हैं। मार्गरेट थैचर ने कहा कि मिलने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। नटवर सिंह ने कहा, इसका कारण तो खुद चंद्रा स्वामी ही आपको बता सकते हैं। उत्सुक मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से मुलाकात की, हामी भर दी। चंद्रा स्वामी को नटवर सिंह ने बताया कि थैचर ने हामी तो भर दी है, लेकिन आप कोई भी अजीब चीज ना करें जो उनको बुरी लगे। तो चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह से कहा, आप इसकी फिक्र मत करिए। उनको सिर्फ 10 मिनट का समय ही मिल पाया था, वो भी आने वाले हफ्ते में। पर चंद्रा स्वामी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। मुलाकात के शुरू में ही मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से पूछा कि मैं उत्सुक हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। चंद्रा स्वामी को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वहाँ नटवर सिंह अनुवादक के तौर पर मौजूद थे। चंद्रा स्वामी का जवाब था कि जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। नटवर सिंह दुभाषिये का काम कर रहे थे। अब चंद्रा स्वामी ने थैचर से 5 कागज के टुकड़ों पर अलग अलग सवाल लिखकर रखने को कहा। थैचर ने बिल्कुल वही किया। वो अब उत्सुक थी कि क्या चंद्रा स्वामी सही बता पाएंगे, और हैरत अंगेज ढंग से स्वामी ने सभी 5 सवाल ज्यों के त्यों बता दिए। चंद्रा स्वामी अब भी बेहद शांति से बैठे थे, पर थैचर को लग रहा था कि उनके सामने कोई बेहद दिव्य व्यक्ति बिना किसी औपचारिकता के उनके सामने सोफे पर पद्मासन लगाए बैठा था। थैचर ने अब और सवाल पूछना शुरू ही किया था कि स्वामी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अब वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सूरज ढल गया है। हैरान खुद मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से मिलने का समय मांगा। बेतकल्लुफी से चंद्रा स्वामी ने कहा, मंगलवार को नटवर सिंह के घर 2:30 पर आप आ जाइए। उसी वक्त चंद्रा स्वामी ने अपने कुर्ते की जेब से एक ताबीज निकाला और कहा, जब आप आएं तो इसे पहन कर आएं। मार्गरेट थैचर आशा के विपरीत खुश नजर आ रही थी। ठीक मंगलवार की 2:30 थैचर सन हाउस फ्रॉगरल वे हेम्पस्टेड में पहुंच गई, जहां उन्हें चंद्रा स्वामी से मिलना था। और आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने अपनी बाई बाजू पर स्वामी के कहे अनुसार वो ताबीज भी बांधा हुआ था। मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से सवाल पूछने शुरू किए और स्वामी ने भी उनके सवालों के जवाब दिए। तभी मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से सवाल किया कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो चंद्रा स्वामी ने उनसे कहा, वो अगले 3 या 4 में ही प्रधानमंत्री बनेंगी, और 9 वर्ष, 11 वर्ष या फिर 13 वर्षों के लिए वो प्रधानमंत्री रहेंगी। और आगे चलकर स्वामी की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। मार्गरेट थैचर 11 साल प्रधानमंत्री रही और उसी अवधि में प्रधानमंत्री बनी जैसा चंद्रा स्वामी ने कहा था। थैचर हमेशा के लिए चंद्रा स्वामी की भक्त बन गई। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कभी भी चंद्रा स्वामी को प्रधानमंत्री निवास में जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा। चंद्रा स्वामी के भक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता थे। ऐसा ही एक वाक्या पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखते हैं। 1979-80 में मैं पेरिस में बीमार पड़ा था। उस वक्त चंद्रा स्वामी फ्रांस के राष्ट्रपति के निजी डॉक्टर के साथ मुझसे मिलने पहुंचे। ये देखकर ही मैं हैरत में था कि उन्होंने मुझसे कहा कि वे सीधे युगोस्लाविया से फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चंद्रा स्वामी को लेने के लिए अपना निजी विमान भी भेजा था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के हथियार व्यापारी अदनान खगोशी को भी स्वामी ही भारत लेकर आए थे। वो भी चंद्रा स्वामी का अंधभक्त था। चंद्रा स्वामी अब तांत्रिक से ज़्यादा बनने की चाहत पालने लगे थे, और ऐसे तमाम लोगों से चंद्रा स्वामी के संपर्क थे जिसमें हथियारों के दलाल, देशों के ताकतवर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बादशाह, अफसर और व्यापारी शामिल थे। यही बाद में चंद्रा स्वामी के पतन का कारण भी बना। स्वामी के भक्तों में अदनान खगोशी के अलावा ब्रूनेई के सुल्तान, हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर जैसे सैकड़ों लोग शामिल थे। इसमें एक नाम पामेला बॉर्डेस का भी है। चंद्रा स्वामी ने अदनान खगोशी को साल 1982 में पामेला बॉर्डेस से भी मिलवाया था, जो उस समय मिस इंडिया थी। बाद में हरियाणा में जन्मी पामेला ने कहा था कि चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी ने उन्हें बड़े बड़े लोगों के लिए कॉल गर्ल बना दिया। उन्हें लोगों के सामने सेक्स प्रेजेंट बनाकर पेश किया। चंद्रा स्वामी पर बोफोर्स कांड,
हथियारों की दलाली, बलात्कार जैसे संगीन आरोप थे और इन्हीं की वजह से उन्हें तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी। यही वो समय था जब वो पतन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन पर राजीव गांधी की हत्या करवाने के लिए प्रयासों के आरोप भी लगे। बोफोर्स, सेंट किट्स, विदेश मुद्रा का उल्लंघन, ईरान कॉन्ट्रा हथियार डील, पैसों की धोखाधड़ी जैसे कई सनसनीखेज आरोप उन पर रहे। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने सीबीआई को चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद भारत और दुनिया भर में मशहूर भारत का ये तांत्रिक गुमनामी में खोता चला गया। 23 मई 2017 को 66 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लोगों के जीवन की भविष्यवाणी करने वाला तांत्रिक अपने भविष्य से ऐसे खेला कि किस्मत ने उसकी आंखों पर सिर्फ अपनी किस्मत ना देख पाने वाला शाह पर्दा डाल दिया। मशहूर पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक, जो चंद्रास्वामी के दोस्त भी रहे, उन्होंने कहा भी है कि वो बहुत कुछ कर सकता था, बशर्ते कि उसने ऐसे कामों में खुद को ना फंसाया होता। कैसे लगते हैं हमारे किस्से और कहानियाँ? क्या राय है चंद्रास्वामी पर आपकी? आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको एक काम और भी करना है, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली खबर तक इंतज़ार करें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.